हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? ठीक है? कैसे चल रही है तैयारी आपके एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की? आइए हम कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जिसकी संभावनाएं हैं कि आपके एमएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछी जा सके। कई बार पूछे भी गए हैं, तो आइए ज़रा देखते हैं उन शब्दों को। जैसे आपका पहला सवाल यहाँ पे पूछा दिया गया है, एडुकेयर शब्द का क्या अर्थ होता है? आपको पता है एजुकेशन में एजुकेशन एडुकेयर शब्द से मिलकर बना है, और एडुकेयर शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, क्या इसका अर्थ होता है व्याख्या करना, क्या इसका अर्थ होता है विकसित करना, या क्या इसका ज्ञान होता है ज्ञान बढ़ाना। तो दोस्तों, अगर हम शाब्दिक अर्थों की बात करें तो एडुकेयर शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एडुकेयर शब्द का अर्थ होता है दोस्तों आगे बढ़ना। अगर आपसे सवाल ये पूछते कि एजुकेशन निम्न में से किन शब्दों से लिया गया है, तो एजुकेशन दोस्तों एडुकेयर शब्द से ही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिक्षा है, शिक्षा क्या है? आपने कई बार सवाल पूछा होगा कि महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन, तो शिक्षा दर्शन के रूप में तो आता ही आता है। दर्शन विश्वास का सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत व विश्वास का क्रियाशील रूप है, या दार्शनिक विकास का क्रियाशील रूप है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सबसे सटीक आंसर क्या होगा इसका, शिक्षा क्या है दोस्तों? शिक्षा जो आपके इसमें आंसर दिया गया, दार्शनिक विकास का क्रियाशील रूप माना गया है। दर्शन विकास का क्रियाशील रूप है शिक्षा, यानी कि आपकी दर्शन, आपकी सोच क्या है, उस सोच को क्रिया के रूप में कैसे बदलेंगे, तो शिक्षा के माध्यम से बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका राष्ट्र, आपका देश, आपका समाज बेहतर बने, तो आप अपने समाज को, अपने दर्शन, जिस लक्ष्य तक ले जाना चाहते हैं, उस हिसाब से उनको शिक्षा देना शुरू करिए। बस यही एक उत्तम मार्ग है, उत्तम रास्ता है। शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होता है? आप एक बच्चे को अगर आप शिक्षा दे रहे हैं, आप अपने पर सोच लीजिए कि अगर अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहला आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस बच्चे से? पैसा कमा के दे, आपके घर की गरीबी खत्म हो, बहुत अमीर हो जाए, या फिर सामान्य विकास, नैतिक विकास या आर्थिक विकास? सबसे पहला मुझे लगता है दोस्तों कि शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होता है, कि बच्चे का चरित्र का विकास करना, एक अच्छा इंसान बने, चरित्रवान व्यक्ति बने। ठीक है, चलिए। क्योंकि चरित्र एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि रामचरितमानस, वो रामचरित, राम जी के चरित्रमानस, उनके चरित्र इतने अच्छे थी कि वो एक धर्म ग्रंथ बन गया, लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके पग पे चलते हैं। चरित्र का बड़ा ही योगदान है, चरित्र का अपना अलग ही महत्व है। इसलिए शिक्षा से सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए? चरित्र का निर्माण। अच्छा, यहाँ से एक और संदेश मिलता है हमको कि अगर हम पढ़े लिखे हैं और हमारा अगर कैरेक्टर सही नहीं है, अगर हमारा चरित्र सही नहीं है, हम किसी को देख के अपनी सही सोच नहीं रखते हैं, तो शायद हमें पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है भाई? हमारा कैरेक्टर, ठीक है, ढीला नहीं करना, कैरेक्टर अच्छा बनाना है, चरित्र का विकास करना है। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का सबसे पहले उल्लेख करने वाले विद्वान थे। पर्सनल, यानी कि एक शिक्षा से आपका व्यक्तिगत क्या फायदा हो सकता है? रॉस ने कहा था, कांट ने कहा था, पैस्कलॉजी ने कहा था, या अरस्तू ने कहा था? शिक्षा के उद्देश्य का सबसे पहले व्यक्तिगत उद्देश्य का उल्लेख किसने किया था दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसने कहा था? कांट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संदर्भ में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? भारत के संबंध में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एक तंत्रवादी, एक समाज की तरह स्थापना, मतलब सब एक जैसे हो, एक तंत्रवादी समाज की स्थापना, समाजवादी समाज की स्थापना, निरंकुशवाद, ये सभी दोस्तों आपका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। एक तंत्रवादी समाज की स्थापना भारत के संबंध में शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा के स्रोत क्या हैं? शिक्षा आपको परिवार से मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, परिवार ही प्राथमिक स्रोत है शिक्षा का। परिवार कहते हैं कि माँ बाप जो होते हैं वो पहले अध्यापक होते हैं, अध्यापिका होते हैं, पहले गुरु शिक्षक होते हैं, वो परिवार से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है। विद्यालय तो है ही, समाज तो है ही, समाज ही हमें क्या करता है, सिखाता है। ठीक है, ये सभी हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सभी करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पर पूछ सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक, जिसको हम फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल कहते हैं। तो दोस्तों, आपका जो परिवार और समाज है दोस्तों, ये अनौपचारिक है, और विद्यालय क्या है? औपचारिक है, औपचारिक, समझ में आ गई? चलिए अब आइए, इंग्लिश में फॉर्मल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सच्ची शिक्षा के द्वारा बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार का बीमा मिलना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की, मतलब शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए, सच्ची शिक्षा वो है जिसको पढ़ने के बाद इंसान अपने आप को बेरोजगार ना महसूस करे, वो कहीं ना कहीं रोजगार कर सके, कुछ काम कर सके, अपने जीवन या अपना की कुछ बंदोबस्त कर सके। यह बात किसने कहा था? यह बात कहा था दोस्तों विवेकानंद जी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, अरविंद घोष टैगोर जी ने कहा था। सच्ची शिक्षा द्वारा बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार का बीमा मिलना चाहिए, यह कथन माननीय
महात्मा गांधी जी का है। चलिए अगला सवाल, किसका कथन है कि शिक्षा मनुष्य के अंदर संस्पूर्णता का प्रदर्शन है? विवेकानंद जी, गांधी जी, टैगोर या जॉन डीवी? तो ये बात किसने कहा था? ये दोस्तों कहा था अपने महान भारतीय विवेकानंद जी ने कहा था। अगला सवाल, शिक्षा की प्रकृति क्या होती है? त्रिमुखी है क्या कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था कि शिक्षा त्रिमुखी है? सवाल पूछता है दोस्तों, जॉन डीवी ने कहा था, ठीक है। द्विमुखी किसने कहा? एडम्स ने कहा था। ये कई बार सवाल पूछा गया है, शिक्षा द्विमुखी है, त्रिमुखी है, किसने कहा था? तो द्विमुखी भी माना गया, त्रिमुखी भी माना गया, द्विमुखी माना गया एडम्स के द्वारा और त्रिमुखी माना जॉन डीवी के द्वारा। सर्वगीण विकास की प्रक्रिया है ही, यह महात्मा गांधी जी ने माना है। तो अर्थात इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षा की प्रकृति ये तीनों है। ओके, शिक्षा के कार्य क्या हैं? चरित्र का निर्माण है, बिल्कुल है। सामाजिक भावना का भी विकास है, संस्कृति का संरक्षण है, अर्थात ये सभी। अगर ये सभी नहीं होता तो, अगर कोई एक विकल्प मानना होता तो आप चरित्र का निर्माण मारिए, लेकिन ये सभी है तो बिल्कुल ये सभी शिक्षा के क्या है भाई? शिक्षा के कार्य हैं। दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ एडुकेशन। चल अगला सवाल देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये बड़ा अच्छा सवाल है और आपको पता होगा, झंडा फहराया जाता है, लड्डू मिलता है। आपके स्कूल्स में क्या मिलता था? कौन सी मिठाई मिलती थी बताइए? कौन सी मिठाई मिलती थी दोस्तों आपके स्कूल में 26 जनवरी के दिन? हमारे यहाँ तो लड्डू मिलता था। चलिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए अगला सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है, संविधान के किस धारा में प्राथमिक शिक्षा के बारे में उल्लेख किया गया, और क्या उल्लेख किया गया? कि प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। आज अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देता, सो दे कैन बी वी कैन बी फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द पेरेंट्स। नहीं, ये मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा आपको देनी है। ये कौन सी धारा में शामिल है भाई? ये धारा 45 में, 46 में, 50 में या 35 में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 45। धारा 45 संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा के बारे में उल्लेख किया गया है। प्राथमिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? अच्छा, प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन की बात की जाए। कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा एक आधार है जिस पर चल के आगे की शिक्षाओं का निर्माण किया जा सकता है। अगर किसी बच्चे की प्राथमिक शिक्षा अच्छी हो गई, बेसिक्स आधार बन गया, बेस बन गया, तो वो आगे चल के अच्छा कर जाएगा। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? आधारभूत शिक्षा। संपूर्ण शिक्षा तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। अधूरी शिक्षा नहीं कह सकते, अधूरी शिक्षा नहीं, इनमें से कोई नहीं, आपका आधारभूत शिक्षा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला क्या है? फिर से वही बात है, व्यक्तिगत शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। तो क्या है? प्राथमिक शिक्षा ही क्या है? इसका आधार है, संपूर्ण शिक्षा का व्यक्ति आधार है। चलिए, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है क्या है भाई? बालकों को सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना। एग्जैक्टली, प्राइमरी लेवल में आप बच्चों को ज़्यादातर कविताएँ पर्यावरण से जुड़ी होती हैं, पेड़ पौधे के बारे में, जानवर के बारे में, जल, नदी, तालाब, इन सब के बारे में। तो बालकों को सामाजिक पर्यावरण से का ज्ञान कराना, एग्जैक्टली है, नो डाउट। बालकों को सहिष्णुता का विकास करना, एग्जैक्टली, मतलब सहिष्णुता का मतलब टॉलरेंस, मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता होना, ठीक है, ये होता है। बालकों को सामूहिकता का विकास करना, मतलब साथ में रहें, अकेले अकेले ना फिरें, साथ में रहें, इसके विकास करना। इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता और कोई क्वेश्चन नहीं होता, कब क्या कहाँ से पूछ दे समझ नहीं आता, लेकिन ऐसे डिस्कस करके पढ़ेंगे ना तो कम से कम आपके सामने आया रहेगा। तो जब आप एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे तो आपको समझ में आएगा, ओके ये कभी बात की गई थी इसके बारे में, पता नहीं कौन से पॉइंट से आपको एग्जाम्स में मिल जाए एंट्रेंस एग्जाम में, समझ में आ गई, ठीक है। जैसे माध्यमिक शिक्षा में को कितने भागों में बांटा गया आपको पता है, लेकिन अगर ये आप पढ़ लेंगे तो चीज़ें कन्फ्योर हो जाएंगी। उच्च माध्यमिक शिक्षा और निम्न माध्यमिक शिक्षा कितने भागों में बांटा गया? माध्यमिक शिक्षा को भी दो भागों में बांटा गया, ठीक है, तो एक नहीं होगा, दो हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांटा गया। चलिए, पूर्व माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा, वह शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा के पश्चात, प्राथमिक शिक्षा के पश्चात विद्यार्थियों को शैक्षिक अवधारणा पूरा करती है, माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। एग्जैक्टली, प्राइमरी शिक्षा के बाद जो शिक्षा दी जाती है वो माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। यह कथन किसका है? यह कथन गांधी जी ने नहीं कहा था, रविंद्र टैगोर जी या किसी ने, यह कथन किसका है दोस्तों? खुद माध्यमिक शिक्षा ने अपने बारे में बताया था, माध्यमिक शिक्षा 1960 में, कि माध्यमिक शिक्षा क्या है? वह शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा के पश्चात विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरी करती है, माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। और दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाई द माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1960, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, ठीक है। चलिए अगला सवाल,
माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में शामिल है, क्या शामिल है? मिडिल स्कूल, एग्जैक्टली, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, तीनों हैं। इसलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? माध्यमिक मतलब मिडिल, मध्य की बात की जा रही है, प्राइमरी, मिडिल और हायर, सो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तरीय। दस, ये वो सत, ये वो स्ट्रक्चर है दोस्तों जिस पर हमने पढ़ाई करी थी। पहले हम 10th तक पढ़ेंगे, फिर 10+2 करेंगे, फिर हमें 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। ये कब लागू किया गया था, यह शिक्षा व्यवस्था, यह पद्धति किस वर्ष तैयार किया गया था दोस्तों, बताइए कब किया गया था? 1975 में ही किया गया था, करेक्ट, जो कि 2020 में बदल दिया गया। 2020 में क्या कर दिया गया, बदल गया। 2020 में क्या आया हमारे पास, 5 3+3+3, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। चलिए अगला सवाल, दूरस्थ शिक्षा के अंग में, मतलब डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है, मुद्रित सामग्री होता है, एग्जैक्टली, रिटन मटेरियल तो होता ही है, रेडियो प्रसारण, मतलब आप डिस्टेंस लर्निंग रेडियो मतलब दूर से भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, श्रव्य सामग्री उपयुक्त सभी, डिस्टेंस लर्निंग में इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आप कहीं से पढ़िए, चाहे बुक से पढ़िए, रेडियो से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, तीनों चीज़ इस्तेमाल किया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य कौन से हैं, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर कम करना, एग्जैक्टली, मान लो किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसकी सप्लाई कम है, तो आप बिजनेस स्टडी करेंगे, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके उसको बैलेंस करेंगे। विद्यार्थी की आत्मविश्वास लाना, ये भी सही बात लग रहा है। शिक्षा को सुअवसरों में विभिन्नता लाना, ये भी बात सही लग रहा है, यानी कि उपयुक्त सही, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, या लेट्स मूव। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 कब प्रकाशित किया गया था, दिसंबर के महीने में प्रकाशित किया गया था, हमें डेट तो याद नहीं है, लेकिन 28 जून को नहीं, 28 जुलाई को नहीं, 28 कब प्रकाशित किया गया था बच्चों, केंद्रीय सरकार द्वारा डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 कब प्रकाशित की गई थी, दिसंबर, 28 दिसंबर 2020 में, करेक्ट। सो दिस इज गोना बी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। किस राज्य में 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को लक्षित करते हुए टॉप पेरेंट लॉन्च किया गया था, केरल में नहीं, ये अपने प्रदेश की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। चलिए अगला सवाल, दिस इज गोना बी लास्ट क्वेश्चन, फिर हम बाकी के अगले वीडियोस में देखें। हाँ, जिस क्वेश्चन की बात की जा रही है दोस्तों, स्कूली शिक्षा को निश्चित समय पर विशेष विधि द्वारा दी जाने वाली शिक्षा है, कौन सी शिक्षा है उसके लिए, स्कूली शिक्षा कौन सी शिक्षा है दोस्तों, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ या व्यावसायिक। तो स्कूली शिक्षा क्या है भाई, औपचारिक शिक्षा है आपकी, फॉर्मल एजुकेशन से मतलब, तो वो तो दी ही जाएंगी। आपका दूरस्थ शिक्षा हो गया, फिर समाज या परिवार कौन सी संस्थाएँ हैं, अनौपचारिक संस्थाएँ। चलिए, सो इस तरीके से आपने 24 सवाल देखे, डेली थोड़ा बहुत देखते जाएंगे और दिमाग में रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम में अगर ये सारे सवाल आते हैं तो बहुत आसानी से कर जाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। सो वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, जानकारी अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो, थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में भी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा, कौन सा यूनिवर्सिटी से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है उसके बारे में जानकारी दीजिए, कब एग्ज़ाम है वो भी जानकारी दीजिएगा, और क्या आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेगा अगली वीडियो में अन्य इसी पार्ट 2 के साथ 24 के बाद से। ये दोस्तों वास्तव में हम क्या पढ़ रहे थे, अभी जो हमारी स्कूली एजुकेशन सिस्टम चल रही है उससे संबंधित सवाल देख रहे थे, कुछ और सवाल बचे हैं, बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।